कैसे हैं आप देखिए अलकम एजुकेशनल चैनल यू आर वाचिंग अलकम एजुकेशनल चैनल। तो हम लेके आए हैं असल जगत के गेस्ट पेपर लॉन्ग क्वेश्चंस के। आज ज़रा आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि मेरा गला ख़राब हो गया, हो सकता है आपको समझ लें, तो कोशिश कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट का टाइम ज़्यादा ना हो। ये है मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन गेस्ट पेपर आईकॉम पॉइंट वन के, ये टोटल 29 क्वेश्चन है। इंशाल्लाह हम इसको तैयार कर लेंगे तो इसमें से आपका पेपर आ जाएगा, ठीक है। तो हम आपको साथ साथ बता देते हैं। देखिए जी, पहला क्वेश्चन है कारोबार की तारीफ करें, उसकी खसूसियात और फ़राइज मकासद बयान करें। अब वो एग्जाम्पल की मर्जी है, चाहे तो आपसे खसूसियत पूछ लें, चाहे तो मकासद पूछ लें, चाहे तो फ़राइज पूछ लें, ठीक है। दूसरा सवाल मेरे पास है, कारोबार शुरू करते वक्त किन नकात को मद्देनज़र रखना पड़ता है। ये सवाल भी बहुत अहम है, पहले चैप्टर में से है। तीसरे में है कॉमर्स की तारीफ करें, इसकी वसत बयान करें, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन में तजारती और मुल्की तरक्की में कॉमर्स की अहमियत बयान करें। अमूमन अहमियत और वसत तकरीबन दोनों में ही लिखी जाती है, ठीक है। पाँचवें पे आ जाए, फ़र्क वाजिया करें कॉमर्स और सनत में, ये बहुत अहम है। छठे में वाद में गति कारोबार के फ़ायदे और नुकसान दिखें। अब अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि पॉइंट्स कितने लिखने चाहिए। देखें फ़ायदे और नुकसान जब दोनों का है ना, अगर आप 15-15 पॉइंट्स लिख रहे हैं, 15 पॉइंट्स फ़ायदे के और 15 पॉइंट नुकसान के, तो वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आपका जो असूल तजारत है इसमें क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा लिखोगे ना उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। सातवें पे आ जाए, शराकती माहदे की तारीफ और उसके नकात लिखें, ठीक है। नकात सिंपल है, वो उसकी तारीफ में आ जाते हैं, वो उसकी खसूसियत में भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि शराकती माहदा जिसमें आपके पॉइंट्स हैं, नाम लिखना चाहिए, नाम डेट वगैरह ये सारे इसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है, इस्लामी कवानीन के तहत शराकत की एग्ज़ाम लिखें, ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम्स में कभी। 10वां है नौवां सॉरी इसी तरह के फ़राइज़ ज़िम्मेदारियाँ पर नोट लिखें। 10वें में है मुश्तरक सरमाया कंपनी की फ़ायदे बयान करें, ठीक है। बड़ी सी कंपनी होती है जिसमें शेयर होल्डर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। 11वां है तकशीर के ज़राए कौन से हैं, वजाहत करें। तकशीर मतलब एडवर्टाइजमेंट, इश्तहार वगैरह देना। उसके बाद है सेल्समैनशिप की तारीफ करें, इसकी अहमियत लिखें, ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको उधर। 13वें है ज़राए नकल उमल की इकसाम पर नोट लिखें। आपको पता है ज़राए नकल उमल कौन कौन से होते हैं, आबी भी हैं, ट्रांसपोर्ट रेलवे भी हैं, समुंदर के भी आते हैं, बाय रोड भी आते हैं, सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। 14 पे है गैर मुल्की तजारत के फ़ायदे नुकसान लिखें, कि इसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है, वही जो मैंने बताया 15-15 पॉइंट्स। 15 पे है दफ्तर के फ़राइज़ तफसील से लिखें, दफ्तर की खसूसियात लिखें। फ़राइज़ भी तकरीबन खसूसियात भी आ जाती है, फ़राइज़ भी आ जाती है, इसलिए दोनों को याद करना। ये सिंपल सा है, ठीक है। इसके आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ जो है ना हेडिंग्स याद करनी है, एक दफ़ा अंदर से रीड कर लें और उसको अपने वर्ड्स में लिखें। आपने रट्टे नहीं लगाने, सिर्फ पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है। पॉइंट्स याद करने के बाद उसको अंदर से एक दफ़ा पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसको अपने अल्फाज में लिखना है, तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। और एक और चीज़, जब आपसे डेफिनेशन पूछी जाए लॉन्ग क्वेश्चन में, तो कम अज़ कम 2 या 3 लिखनी है डेफिनेशन, एक नहीं लिखनी। 16 है मसलबंदी के फ़ायदे नुकसान पर रोशनी डालें, खसूसियात भी आ जाती हैं। मसलबंदी हर चीज़ों को तरतीब से कैसे रखना, फाइल सिस्टम ठीक है, ये इसमें आ जाता है। ये सवाल बहुत अहम है, ये आ जाता है। वो 17 में पब्लिक और प्राइवेट कंपनी फ़र्क वाजिया करें, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में फ़र्क कैसे वाजिया करना है, ठीक है। ये चीज़ भी ईजी है, आपको पता है कि पब्लिक कंपनी में तादाद कितनी और प्राइवेट में कितनी होती है, ये सवाल भी अहम है, बहुत बड़ा होता है। थ्रो फौज की खदमात दिखें, ये भी बहुत अहम है। 19वें में है परचून फौज की फ़राइज़ खदमात दिखें, ये भी सवाल बहुत अहम है। 20 दफ्तरी मशीनों से क्या मुराद है, इसकी अहमियत पर वाजिया नोट लिखें, या बास का होता है कि दफ्तरी मशीनों को नोट लिखें, दोनों ही सवाल से हैं, दोनों में ही लिखना आपने, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास 71 में मस्जिद बंदी की मुख्तलिफ तरीके लिखें, इसके अंदर तरीके हैं वो भी आपने याद कर लें। 22 पे है अजमल अमदादी बहमी की इकसाम लिखें, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। एक दफ़ा फिर आपको यहाँ से दिखा देते हैं, इजी से आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, अपने बुक में निशान लगा लें। 22 क्वेश्चन आगे आ जाए। 23 पे कारोबार खतूत की इकसाम लिखें, वो तो आपको पता है इजी है, आपने पढ़ना और आपका हो जाना है, आपके बुक्स में मिल जाए। चेन स्टोर और शुबादार स्टोर में फ़र्क वाजिया करें, ये भी सवाल आ जाता होता है। 25 पे है तशरी के 10 तरीकों के बारे में लिखें, कौन से ज़राए हैं जिसके जरिए हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आजकल जो एडवर्टाइजमेंट का सबसे तरीका है वो आपका क्या है, फेसबुक पर आ जाती है, इंटरनेट के जरिए आ जाती है, वेबसाइट पे आ जाती है, हर चीज़ों पे आप कर सकते हैं। 26 है मुश्तरक कंपनी खसूसियात लिखें, ठीक है। 27 पे इश्तहारबाजी के नुकसान लिखें, नुकसान के साथ अगर आप फ़ायद कर लें तो भी बेहतर होगा, क्योंकि फ़ायदे भी वो दे देते होते हैं। 28 है मुल्की तजारत के फ़ायदे लिखें, पहले आपने गैर मुल्की थे, अब ये मुल्की तजारत के हैं।
اور 29 میں ہے کن حالات کے تحت شراکت مصنوع ہوتی ہے. تفصیل سے لکھیں مصنوع کا مطلب ہوتا ہے کینسل. تو یہ آپ کے 29 امپورٹنٹ کوسچنز ہیں لانگ کوسچن کے حساب سے کہہ رہے ہیں سوئے تجارت آئی کام پارٹ ون کے. تو ان شاء اللہ آپ کو تیار اس کو کر لیں, اسی میں سے پیپر آئے گا لانگ, آپ کا پیپر اٹیمپٹ ہو جائے گا. اور اگر کسی بچے کو سوال نہیں مل رہا تو وہ بھی ہمیں کائنڈلی کمنٹس کرتے ہیں تو ہم وہ کیا کر دیں گے پیج نمبر بتا دیں گے, کیونکہ سوئے تجارت کی جو بک ہے وہ زیادہ تر بچے عظیم اکیڈمی کے استعمال کرتے ہیں. تو یہ لانگ کوسچن میں بتا دیے ہیں, تو آہستہ آہستہ آپ کو شور بھی مل جائیں گے. آپ کے کمنٹس کے سارے جو آپ کوشش کرتے ہیں دینے کی جن بچوں کو پرابلم ہے. اصل میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ ویسے ہی پڑھا رہے تھے تو ہم نے سوچا نیٹ پہ بھی کر دی جائے, کیونکہ بہت سے ایسے بچے ہیں جو کہ اکیڈمی نہیں جا سکتے, کالج نہیں جا سکتے, چلیں وہ اس کے تھرو جو ہے ایزی لرننگ کر لیں گے اور امتحان میں ایزی نمبروں سے پاس ہو جائیں گے. باقی میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو بچے پریشان ہو رہے ہیں کہ ابھی شروع نہیں کیے, تو جب میں نے ایک منتھ ہمیں کہا تیاری کروانے کا تو اس کا مطلب ایک منتھ میں کروانی ہے. صرف آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیوز ہیں اس کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے, اور نیچے جو بیل آئکن ہے اس پہ کلک لازمی کیجیے گا, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے گا. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو دوسروں کو بھی سمجھ آ جائے تو وہ بھی اسی طریقے سے امتحان میں کامیاب ہو جائیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ.